हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सना एंड शान रक्षा। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। हमारी दुआ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी जिंदगी में खुशबाद रहा करें। तो आज इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले, बड़ी प्यारी सी वीडियो होने वाली है। पहले तो आप लोगों को ये बता दें जी, आज आप लोगों को हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज लग रहा होगा। आज जो है हम आ गए हैं जी लाहौर, तो आज हम बना रहे हैं जी लाहौर में वीडियो। लाहौर हमारा अचानक प्रोग्राम बना जी लाहौर का, तो आ गए हैं लाहौर, आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप, हमने कल भी हमारी वीडियो नहीं लगी कोई। हाँ जी, कल नहीं लगी। कल जरा ऐसे था कि प्लान तो हमारा शाम का निकलने का था, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी, तो अचानक प्लान हो गया हमारा कि अभी ही निकलते हैं। तो बस सारा दिन सफर में आराम आराम से एंजॉय करते करते, खाते पीते, चाय पीते पीते हम आ गए हैं जी। रात हो गई, थक गए और हम 4 घंटे लगे हैं, वैसे तो 2.5 घंटे का सफर, लेकिन हम स्टे करके आए हैं आराम से, खाते पीते रास्ते में। और चाचू से कार ली है, तो उनकी कार पे आ गए हैं। चलो 2-3 दिन यहाँ लाहौर में अभी रहेंगे हम, तो फिर वापस जाएंगे जी मंगल को। मेरे ख्याल है ना, मंगल का हमारा है, ट्यूसडे को वापसी है। हाँ, तो फिर तो बनाएंगे। हाँ जी, तो इमाद को कहा है कि हमारे साथ वीडियो बना ले, लेकिन वो भी जरा बिजी है नहाने धोने में, कपड़े पहनने में। तो जैसे ही वो जरा फ्री होगा तो हम उसके साथ भी वीडियो बनाएंगे जी। तो चलिए वीडियो का जो टाइटल है वो पढ़ के सुनाते हैं जी। वीडियो का जो टाइटल है वो है जी, इंडियन बाइक वर्सेस पाकिस्तानी बाइक, फुल कंपैरिजन है जी ये। तो चलिए जी देखते हैं जी, इंडियन बाइक्स कैसी हैं और पाकिस्तानी बाइक का तो हमें पता है जी। फर्स्ट टाइम हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं जी बाइक्स पे। तो चलिए जी वीडियो को प्ले करते हैं, देते हैं अपना रिएक्शन, उसके बाद देंगे रिव्यू की हमें वीडियो कैसी लगी। तो चलिए लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस रोमांचक वीडियो में हम भारत पाकिस्तान में 10 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बाइक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम जब बाइक्स पर बात करने ही वाले हैं, तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान के कुछ बाइक मैन्युफैक्चर कंपनियां के बारे में जान लेते हैं कि किसके पास कौन कौन सी कंपनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो दोस्तों, पाकिस्तान देश के पास खुद की कोई ऑफिशियल बाइक कंपनियां ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे देशों से बाइक्स के पार्ट्स को इंपोर्ट करता है और उसे अपने देश में असेंबल करके बेचता है। पाकिस्तान चाइना, जापान जैसे देशों से बाइक के पार्ट्स को खरीदता है और उस पार्ट को अपने देश में असेंबल करके दूसरे बाइक कंपनी के नाम से अपने देश में बेचता है। अब दोस्तों, हम भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत के पास खुद की कई सारी कंपनियां हैं जो अपने देश के लिए बाइक तो बनाती ही बनाती है, इसके साथ साथ अपना बाइक दूसरे देशों में भी बेचती है। कई देशों में भारतीय टू व्हीलर कंपनी की बाइक्स की इतनी सेल है कि उन देशों में बाइक सेल के मामले में भारत की कंपनियां प्रथम स्थान पर हैं। इन कंपनियों में हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी, महिंद्रा, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने देश में तो जलवा दिखा ही रही है, इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी सेल के मामले में तहलका मचा रही है। अब दोस्तों, जान लेते हैं भारत पाकिस्तान की 10 सबसे लोकप्रिय बाइक्स को। पहले पाकिस्तान से शुरू करते हैं। नंबर 10, पाकिस्तान में जो नंबर 10 पर बाइक है वो है मेट्रो MR70, जिसमें 72 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 53,500 पाकिस्तानी रुपए है। अब नंबर 10 पर जो इंडियन बाइक है वो है KTM RC390, जिसमें 390 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का एक शोरूम प्राइस 2,53,000 भारतीय रुपए है। नंबर नौ पर जो पाकिस्तानी बाइक है वो है रोड प्रिंस RP70, जिसमें 70 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 86,500 पाकिस्तानी रुपए है। तो दोस्तों, नंबर 9 पर जो भारतीय बाइक है बजाज पल्सर NS200, जिसमें 200 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 2,00,000 रुपए है। नंबर 8, तो 8वें नंबर पर जो पाकिस्तान की बाइक है वो है यामाहा जुनून 100 cc, जिसमें 100 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 78,500 पाकिस्तानी रुपए है। नंबर 8 पर भारतीय बाइक है सुजुकी जिक्सर 150, जिसमें 155 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का एक्सोरूम प्राइस
129,300 भारतीय रुपए है। नंबर सात पर जो पाकिस्तानी बाइक है यमहा धूम 70, जिसमें 70 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का एक्सरूम प्राइस 54,000 पाकिस्तानी रुपए है। नंबर सात पर जो भारतीय बाइक है यमहा R15, जिसमें 155 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 191,000 भारतीय रुपए है और ये बाइक यंगस्टर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। नंबर छः पे जो पाकिस्तानी बाइक है यमहा YB125Z, जिसमें 150 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 169,000 रुपए से लेकर 188,000 पाकिस्तानी रुपए है। नंबर छः पे भारतीय बाइक है TVS अपाचे RTR 160, जिसमें 159 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 140,000 भारतीय रुपए है। नंबर 5। अब दोस्तों नंबर 5 पर जो पाकिस्तानी बाइक है यमहा YBR 125, जिसमें 150 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 188,000 पाकिस्तानी रुपए है। नंबर 5 पर जो भारतीय बाइक है होंडा SP125, जिसमें 124 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 98,372 भारतीय रुपए है। नंबर चार पे जो पाकिस्तानी बाइक है वो है होंडा CB150F, जिसमें 150 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 357,000 पाकिस्तानी रुपए है। 4 नंबर पर भारतीय बाइक है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, जिसमें 349 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 216,000 भारतीय रुपए है और ये बाइक मानो तो भारत की जान है। नंबर तीन पर जो पाकिस्तानी बाइक है वो है होंडा CG125 ड्रीम, जिसमें 125 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 106,900 पाकिस्तानी रुपए है। 3 नंबर पर भारतीय बाइक है KTM ड्यूक 390, जिसमें 373 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 258,000 भारतीय रुपए है। नंबर दो की बात की जाए तो पाकिस्तान की होंडा CG125 है, जिसमें 125 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 230,000 पाकिस्तानी रुपए है। भारत की नंबर दो की बाइक है बजाज पल्सर 150, जिसमें 149 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 121,000 भारतीय रुपए है। नंबर 1। अब दोस्तों नंबर एक पर जो पाकिस्तानी बाइक है वो है होंडा CD70, जिसमें 70 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 128,000 पाकिस्तानी रुपए है। दोस्तों भारत की नंबर एक वाली बाइक बताने से पहले अगर आप भारतीय हैं तो आप प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। भारतीय बाइक जो नंबर एक पर है वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस, जिसमें 100 cc का इंजन लगा हुआ है और इस बाइक का प्राइस 86,292 भारतीय रुपए है। दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई बाइक लेनी हो तो आप इंडियन बाइक लेना पसंद करेंगे या पाकिस्तानी बाइक, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नए रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जी बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जी, बाइक्स के बारे में आज हम लोगों ने देख लिया जी। वाकई अगर हम लोग कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान की बाइक्स का, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो लेकिन इंडिया की जो चीज़ों की खूबसूरती है वो बहुत है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो पाकिस्तान की सब चीज़ें हैं, जो कुछ भी हो, तो वो जो है
चाइना से वो लेते हैं कुछ भी हो जाए, तो इसलिए पाकिस्तान में ऐसा उनका अपना खुद का कोई भी कारोबार नहीं है जो कहें जी ये चीज बिल्कुल जो है ना वो पाकिस्तान में खुद तैयार की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेड इन पाकिस्तान। आज तक हमने यकीन माना कोई खाने पीने वाली चीज पे भी नहीं पढ़ा देखा कि मेड इन पाकिस्तान है जी। तो इंडिया की बात की जाए तो वो बहुत जबरदस्त है जी, खुशी होती है जी कि हर चीज मेड इन इंडिया। तो बाइक कितनी खूबसूरत है ना यार, बाइक अच्छा ऐसे है कि पाकिस्तान जो है ना अगर कुछ बन भी नहीं, जैसे कि यहाँ पे वो पाक हीरो हीरो वैसे करके दो तीन बताइए मेट्रो वगैरह वो सारी भी ना उसके जो पार्ट्स हैं वो चाइना से लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ आके उसको असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं और बाइक बना देते हैं जी कि मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बनता जी और चाइना से सब कुछ आता है, तो यहाँ पे असेंबल करके उसको जोड़ जोड़ के वो बना देते हैं जी मेड इन पाकिस्तान। इंडिया में देखें कितनी खूबसूरत बाइकें और बहुत सारी मेड इन इंडिया बाइक्स हैं जो बहुत इंडिया में बनती हैं और दूसरी कंट्रीज में भी, यकीन करें अगर हमें अलाउ हो ना कि इंडिया से मंगा सकें तो मैं वो इनफील्ड जो थी बाइक कैफे रेसर टाइप जो होती है यार इतनी जबरदस्त है ना वो यार बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे पाकिस्तान में भी इंडिया की ये बाइकें जो है बहुत पसंद की जाती है, खासकर ये पंजाबी मूवीज में भी होती हैं, बुलेट बुलेट कहते हैं जिसको, ये बाइकें बहुत पसंद की जाती हैं, अगर होता अलाउ होता तो जरूर वहां से इंडिया से करते इम्पोर्ट करके यहाँ पे ले आते हम। तो बाकी बहुत जबरदस्त बाइक है जी सारी और कुछ प्राइजें कम बताई हैं, जैसे यामाहा की बताई है पुरानी होगी बहुत महंगी हुई है 4.5 लाख तक पहुंची हुई है प्राइसें इनकी, अब जो अब की है मैंने क्योंकि रिसेंटली बाइक ली, मैंने होंडा 125 लिया, इससे पहले यामाहा की थी, और यहाँ जो पाकिस्तान में बाइकें ज्यादा जो चलती है वो होंडा 125 चलती है और जैसे पहले नंबर में बताया होंडा 70 वो ज्यादा चलती है क्योंकि वो पेट्रोल कम पीती है होंडा 70 जो है, और 125 सारे लड़कों लुड़कों को पसंद है लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यामाहा बहुत पसंद है, मैंने वो चलाई है, उसके वेरिएंट हैं 3 है और यामाहा YBZ भी मैंने चलाई है, YBR-G भी चलाई है, दोनों बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं लाहौर से साहिवाल भी गया हूँ उनपे, तो 2.5-3 घंटे का सफर है तो आपको बाइक का आइडिया हो जाता है, और 125 होंडा जो होंडा 125 इस पे भी गया हूँ तो बहुत बंदा थक जाता है इसके ऊपर, लेकिन यामाहा जो है बहुत कंफर्टेबल बाइक्स हैं, और अगर आपने ट्रैवल वगैरह करते हैं और लो बजट है आपका तो फिर आप सुजुकी की तरफ जाएं, सुजुकी 150 वो पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है जो ट्रैवल करते हैं बाइकर हैं जो, और जिनका बजट कम है 4-5 लाख है, इसमें वो मिलती है आपको सुजुकी 150 अच्छी है बाइक, वो बहुत जबरदस्त है ट्रैवलिंग के लिए, तो जबरदस्त ही बाकी हाँ, इंडिया की तो क्या बातें हैं की जाए, इतनी जबरदस्त हैवी बाइकें बनाई हैं और इतनी सस्ते थे 3.5 लाख की, और अच्छा, नोट 2 लाख कोई भी सिंपल बाइक नहीं थी इनके, हाँ हमारे देखने आराम सी बाइकें हैं जो 65 से चली जा रही है, वैसी बाइक है सिर्फ स्टिकर ऊपर चेंज हो जाता है बस, लड़के वगैरह रख रहे हैं वो अपने मुताबिक सेटिंग वगैरह करा लेते हैं, लेकिन बाइकें वही हैं, वही स्टाइल है, वही डिजाइन है, सब कुछ वही रहता है जी, कोई चेंजिंग नहीं, और इधर इतनी प्यारी हैवी बाइक्स थी बहुत इतनी कम प्राइस में, कम प्राइस में सस्ती है 2-2 लाख की, जैसे आप लोग की 2 लाख की तो यहाँ कम अज कम 6 लाख की होगी, हाँ 6 से भी ऊपर ही कह रहे हैं, 7 लाख के करीब है, 6-7 लाख की वो फर्क पड़ता है, जिक्सर जो वहाँ पे पता नहीं किसने की थी, जैन में नहीं वो वैसे है ना कि ये सामान चाइना से मंगवाते हैं उसका भी प्रॉफिट निकालना होता है, फिर हमें सेल करते हैं, बल्कि शॉप वालों को करते हैं उसमें भी प्रॉफिट, कितने लोगों के हाथ चढ़ चढ़ के बाइक्स जो है ना वो इंसान, और यहाँ पे बनेगी चीज यहाँ बनेगी वो सस्ती होगी, सस्ती होगी, बाहर से अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी बड़ा खर्चा होता है, उसका फिर ज्यादा एक्सपोर्ट पे भी होते हैं, वहाँ से पहले खरीदना फिर उसको जिस चीज में लाना है फिर वहाँ पहुंचाना फिर आगे से आगे तैयार करना वो बड़ा खर्चा हो जाता है, इसलिए जो है ना डबल ट्रिपल कीमत बन जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहना बहुत सारा ख्याल हमें रखना करें दुआओं में यार, ओके जी बाय बाय।